तो वेलकम बैक टू माय चैनल मेरे वालों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो ताकि सबसे लेटेस्ट वीडियोस आपको देखने को मिले। तो मैंने लेटेस्ट अभी एक रील बनाया था जवान के बैकग्राउंड म्यूजिक के ऊपर, एंड उसमें मेरा पूरा का पूरा नेवी वर्ल्ड, मेरा जो मर्चेंट नेवी है उसका वर्ल्ड का एक 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 क्लिप्स को उठाकर डाला हुआ था भाई। वो सारे वो व्यूज़ में मतलब मेरे इंस्टाग्राम रील्स के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। अगर नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखना भाई, और कान में हेडफोन्स लगा कर देखना भाई। वो बैकग्राउंड म्यूजिक और भाई अपना जो लाइफ है, क्या लग रहा है भाई, दिल से तो मतलब दिल से खुश हो गया भाई वो वीडियो देखकर, जिसने भी एडिट करके दिया है मेरे। तो वीडियो स्टार्ट करते, कल या परसों मैंने एक वीडियो डाला था तलपति विजय एंड एसआरके का जवान के अंदर कैमियो को लेकर। वो वीडियो को मेरे को डिलीट करना पड़ा, इसलिए डिलीट करना पड़ा बिकॉज उस वीडियो में मैंने कुछ क्लिप्स एंड अपडेट्स बताए थे जो कि मेरे को लग रहा है वो गिमिकी लग रहा था। बिकॉज जैसे ही मैंने बताया उसके बाद मैंने चेक किया, जूम कर करके चेक किया, वो पुलिस ऑफिसर जो भी चीज़ है मेरे को उसको एक्सप्लेन नहीं करना है, तो वो मेरे को लग रहा था कि वो तलपति विजय नहीं है जिसके बारे में मैंने प्रेडिक्ट करके वो वीडियो बनाया। वो प्रेडिक्शन मेरे को लग रहा था ये सीरियसली ये नॉनसेंस प्रेडिक्शन है, तो मैंने ऑन द स्पॉट उसमें 3,500 व्यूज़ हो गए थे 30 मिनट के अंदर अंदर, तो मैंने डिलीट ही कर दिया। मैंने बोला यार व्यूज़ मैटर नहीं करता, बट क्या है कि चीज़ें जब पता हो फिर गलत इन्फो अगर मुँह से निकले तो वो गलत है, तो मैंने वो पूरा का पूरा वीडियो ही पूरा उठाकर डिलीट कर दिया। तो कमिंग टू द पॉइंट, तलपति विजय जवान में है या नहीं? देखो गाइस, क्या है कि स्टार्टिंग से लेकर मेरे को मतलब अपडेट्स के माने जाए तो यही अपडेट्स मिल रहा है कि भाई तलपति विजय ने कोई भी ऐसा शॉर्ट्स या कैमियो किया नहीं है। ये अपडेट है, वो भी 2021 में जब मैंने वो बैकग्राउंड म्यूजिक्स वगैरह दिए थे उस टाइम पे मुझे वो अपडेट मिला था। उसके बाद भी मैंने 3-4 लोगों से पूछा, वो भी कह रहे कि नहीं है, नहीं एज ऑफ नाउ तो कोई शूटिंग वगैरह तो हुई नहीं, होती तो पता लग जाती उनको, लेकिन स्टिल कॉन्स्पिरेसी मतलब थीरीज ऐसे है कि अगर बोल नहीं सकते भाई, बोल नहीं सकते, मैं तो ये बोल रहा हूँ वो कुछ भी कर सकते हैं भाई। और रेड चिलीज एंटरटेनमेंट है, देखो पुराने ट्रैक रिकॉर्ड्स को भूल जाओ, बउआ की टोली है सज्जल वे सब तो ठीक है, चलो यार सबका मतलब ख़राब टाइम आता है। इवन हम लोगों को हिंदुस्तान का सबसे हैवी विजुअल फिल्म भी जो मिला था वो भी रेड चिलीज ने ही दिया है, रावण, याद करो वो जमाने में जब अपन टॉम एंड जेरी और छोटा भीम देखते थे, उस टाइम पर इन लोगों ने हॉलीवुड दिखा दिया था। तो वो मोस्टली यही ट्राई करेंगे, हर तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस फिल्म को, क्योंकि जब मैं जो हेड ऑफ रेड चिलीज जब मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ था उस टाइम पे भी जब मैं उस बंदे से बात करा था, उन्होंने उस सर ने कहा कि ये भाई हमारे लिए एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, ये हमारा ये सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। तो उस चीज़ जो मैंने उस टाइम पे सुना उससे मेरे को लग रहा था कि भाई फुल फोर्स में अटैक होने वाला है इस फिल्म के ऊपर, फुल फोर्स में इस फिल्म में मतलब शाहरुख खान को मतलब बेस्ट द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग नहीं बोल सकते, बट इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर द बेस्ट दिखाएंगे यार, द बेस्ट दिखाएंगे। विजुअल ट्रीट्स में सब कुछ सब रिकॉर्ड तोड़ देंगे यार, मतलब दिखाने के तरीके में। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई लोग 50% अपडेट्स की मानो तो ही इज़ नॉट देयर, लेकिन सरप्राइज भाई, इनका सरप्राइज तो फिर खतरनाक लेवल का रहता है, और 50% अगर उसको मानो तो भाई कौन कौन रसलिंग देखता था हाथ उठाओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं भी रसलिंग में अभी भी देखता हूँ मेरे को पता है फेक है, पर मैं अभी भी मैं रैंडी ऑर्टन वाला फैन हूँ, फैन क्लब वाला हूँ। तो अभी ये रिसेंटली भी एक आई थी जॉन सीना वर्सेस रैंडी ऑर्टन देखा मैं। तो रसलिंग में एक बहुत साल पहले मैं बहुत छोटा था उस टाइम पे जब ये टैगलाइन उनको मिला था, डिस्ट्रक्टर वो अंडरटेकर को मिला था एंड केन को मिला था, ये दोनों को डिस्ट्रक्टर का टैग मिला था क्योंकि वो सबसे खतरनाक थे उस टाइम पे, उससे खतरनाक रेसलर आज तक बना नहीं है। मैं फैन किसी और को, लेकिन मैं मानता हूँ उनसे खतरनाक रेसलर कोई भी नहीं है। तो तलपति विजय अगर इस फिल्म में आता है तो इस फिल्म को एक ऐसा बूस्टअप मिलता है, वो बूस्टअप के साथ शाहरुख खान की खतरनाक एक्टिंग, मैं बोल रहा हूँ, मैं कौन कौन मेरा 2018 से फैन है उनको याद होगा मेरा डायलॉग, भाई वो बहुत येड़ आदमी है, वो पागल है वो, मैं तब से बोल रहा हूँ। अपन यहाँ पर 20 करोड़ 30 करोड़ का सोच रहे हैं, वो बंदा 50 करोड़ का ओपनिंग लगाएगा। मैं कब बोला था ये बात, 2019-18 में जब वे वीडियो, भाई वो पागल है वो, बहुत खतरनाक आदमी है, अभी 1,000 करोड़ मारा ना,
अभी मैं बोल रहा हूँ वो टकला मोटू भैया आएगा, मोटू भैया गांड पार देगा सबका। मैं बोल रहा हूँ ये क्रेडिट चोर, ये चेन चोर, ये वो बॉयकॉट गैंग, ये रोड माइक वाला कम्युनलिस्ट जो यूट्यूब में बैठा है ना, एक टुक चश्मा पहन के रोड माइक लेके आता, उसको तो सारा पिक्चर में उसको तो मतलब हर पिक्चर में उसको मतलब उसका सेंटीमेंट हर्ट हो जाता, पता नहीं सेंटीमेंट से कि सेफ्टी टैंक ही है नहीं मालूम, हर पिक्चर में सेंटीमेंट्स उसका हर्ट होता, पता नहीं वो पिक्चर देखने क्यों जाता रहे। तुम बंद करके घर में बैठो ना, तुम 400,000 सब्सक्राइबर है तो तुम बंद कर दो चैनल, बंद कर दो, तुम शुरू करो ध्रुव रहती की तरह, मतलब वो सब फैक्टर के ऊपर वीडियोस बनाना, पिक्चर उच्चर तेरे लाइक का नहीं है, पिक्चर मत देखो, नहीं तो तुम एक काम करो पोगो खोलो छोटा भीम देखो और बस उसमें कुछ सेंटीमेंट्स तुम्हारा हर्ट नहीं होगा, नहीं उसमें भी इसका सेंटीमेंट्स हर्ट होगा बिकॉज वो भीम को देखने के बाद तो मेरा फेवरेट कैरेक्टर हो वो और कालिया। तो भाई वो मोटा पहिया वो टकलू बॉस भाई वो खत्म कर देगा, उसका नाम का आगे ना डिस्ट्रक्टर लग जाएगा, डिस्ट्रक्टर। ये साल का पूरा एंड करते करते ना क्योंकि तलपति विजय का कैमियो होना ना इस फिल्म को एक पुशअप देगा, वो पुशअप के साथ लोग शाहरुख खान की एक्टिंग देखो, अरे पा बंदा क्या एक्टिंग कर रहा है भाई, 57 के एज में भी इतना खतरनाक एक्टिंग कर रहा है भाई, अरे बाबा। उस तरीके से कि लोग क्या होंगे कि इसका पैन इंडिया सपोर्ट बनेगा, लोग कनेक्ट होंगे, और भाई ग्लोबल सुपरस्टार जब पैन इंडिया पे पावर बैठा देगा अपना, उसको थोड़ा सा भी सपोर्ट रीजनल सिनेमा से मिल जाएगा तो ख़त्म भाई। हर फिल्म 2000 करोड़ के नीचे जाएगी हम लोग बोलेगा ये अंडर परफॉर्मर है, ये अंडर परफॉर्मर है, और ये अंडरवियर वाले लोग खत्म हो जाएंगे। उसमें तो उसमें जो दुकान वाला है ना उसका स्टार्डम ज़्यादा है, इसकी वजह से उसका 2000 करोड़ गया, ओटम ये बोलेंगे, ये क्रेडिट छोर ओटम ये बोलेंगे। तो इसलिए टाइम का बात है भाई, टाइम की बात है भाई, मेरा भी 2022 इतना खराब वक्त था ना, और 2023 मेरा मॉन्स्टर लेवल पे जा रहा है, मतलब जिंदगी का सबसे खतरनाक साल जा रहा है मेरा, मतलब सिर्फ और सिर्फ ये साल में मेरे को सिर्फ मिला है, मिलता ही है सिर्फ, वैसा जा रहा है, वैसा ही उसका भी है, तो वैसे ही सबका ही है, सबका ही, सिर्फ हम दोनों का नहीं, सब हर इंसान का खराब टाइम होता है, और जैसे कमबैक होता है ना, मैं वही बोला ना ऊपर वाला से हमेशा खुदा से दुआ मांगने का कि भाई जिंदगी में कभी भी गिराओ कोई दिक्कत नहीं है, गिरना तो सबको ही है कोई दिक्कत, लेकिन कमबैक दो ना तो ये मोटा बॉस का तरह दो, पगला हो गया वो पूरा, वो पूरा रास्ता में जो भी दिखेगा डिस्ट्रक्शन तोड़ते हुए जाएगा वो एक सीरियल था ना उसमें ट्रेन का कुछ नाम था गजान मेल एक्सप्रेस, उसका तरह तोड़ते तोड़ते जाएगा वो, और जो रास्ता में दिखेगा सबको मारेगा, देखा ना टकलू बॉस क्या कर रहा है लास्ट सीन में, वो जैसा खड़ा है वो देख के भाई ये हेटर्स, ये बॉयकॉट गैंग, वो रोड माइक वाला सब मुद्दी है पैंट में, हग दिए, मैं तो बोल रहा हूँ पैंट में मुद्दी है लोग सब, इनको पता चल गया अरे बापा पठान में तो खाली हवा में सुई सुई करके 1000 मार दिया, ये तो मेरे को लग रहा 3000 मार देगा, ये लोग घबराए घबराए घूम रहे, नो एंट्री में बोलता ना अनिल कपूर घबराए घबराए घूम रहे, और तलपति विजय का कैमियो उसमें होना रेड अलार्म मारते नहीं, रेड अलार्म एंड्रयू रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स जब पहले खेलता रेड अलार्म छोड़ता था वो बाउंड्री चलाने से पहले, तो रेड अलार्म छोड़ देगा वो।